सब्सक्राइब कीजिए रिसेब क्रिएशंस को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इलेक्ट्रिक कार्स यू तो इंडिया में लॉन्च होती ही नहीं है, और अगर होती है तो लोग नहीं खरीदते हैं। तो आखिर क्या रीजंस है कि लोग इलेक्ट्रिक कार से इतना आगे पीछे भागते हैं? तो ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में लोग बात करेंगे, आखिर इलेक्ट्रिक कार लोग क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो पहला रीजन बनता है कि यहाँ पर बिजली की समस्या। अगर आप किसी छोटे राज्य में रहते हैं तो यहाँ पर लाइट का कोई भरोसा होता नहीं है और ना ही कोई चार्जिंग स्टेशन होती है। अगर आपने कोई छोटा राज्य कोई आदमी एक इलेक्ट्रिक कार अपने घर पर खरीद के ला देता है और सोचता है कि चलो मैं इसे भाई पेट्रोल तो बचा लूँगा, मैं रात को लगाऊंगा चार्जिंग में इसे और भाई फिर दिन भर में अपना काम इसे निकाल लूंगा। लेकिन होगा क्या अगर आप इसे रात में चार्ज लगा दोगे? और भाई साहब अगर लाइट आई नहीं तब लाइट गैप हो गई तो क्या करोगे? तो आपकी गाड़ी पड़ी रहेगी एक कोने में और आपको ले निकालना पड़ेगा अपना साइकिल या फिर पेट्रोल बाइक। तो मेन रीज़न ये बनता है। सेकेंड रीजन इसका एक सोल्यूशन भी है, वो है सोलर पैनल। अगर हम क्या करें कहीं भी जाते हैं, धूप इंडिया में आप जानते हो कितनी पड़ती है, तो अगर हम कहीं भी जाते हैं अपनी गाड़ी को 10 मिनट पार्क में लगाएं तो जितना दूर हम चलेंगे वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सरकार का घाटा 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 हो जाएगा यहाँ पर। तो सरकार यहाँ पर क्या कहती है, सोलर पैनल्स अगर हमने लगा दिए तो जनता ना बिजली का बिल इस्तेमाल करेगी और ना ही चार्जिंग स्टेशन जाएगी। चार्जिंग स्टेशन तो वैसे भी नहीं है, बिजली के बिल तो उनका बनेगा टैक्स। तो यहाँ पर ये बात उठती है अगर आप बिजली के बिल उठाओगे तो सरकार कहेगी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और चलिए भाई अगर मान लीजिए हमारे वहाँ अगर आप बड़े शहर में रहते हैं आपके वहाँ चार्जिंग स्टेशन भी है, अच्छी बात है, तो भाई बड़े शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में इलेक्ट्रिक कार, आप आराम के साथ ले पाते हैं क्योंकि वहाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी भी बराबर रहती है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे चार्जिंग स्टेशन कम हो, तो अगर आपको कहीं जाना है एक घंटे में और आपको टाइम लग रहा है 5 घंटे चार्जिंग करने में, तो क्या आप एक इलेक्ट्रिसिटी कार खरीदना पसंद करेंगे? 4 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, आप चाहेंगे मैं इसे 1 घंटे में चार्ज कर सकूं? तो ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका चार्जिंग स्टेशन काफ़ी दूरी पर रहता है और आप वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर नहीं आ सकते हैं। आपको डर लगा रहेगा कहीं मेरी गाड़ी कोई खराब ना कर दे। ये इंडिया की भाई ये सोच भाई लोगों की, मैं नहीं, ये सब कुछ होता है, आपको सोचते हो इस बात। और थर्ड पॉइंट होती है प्राइसिंग। अब भाई पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स की, आम आदमी के तो दुश्मन बने पड़े हुए हैं। कोई भी कंपनी 4 लाख 5 लाख की गाड़ी लाती ही नहीं है भाई। लाना है तो भाई सिर्फ बड़े लोगों को दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25 लाख तक की गाड़ी देखो। वैसे तो इंडिया में मौजूदा कार फेमस का नाम में गिना दो, महिंद्रा ईटीओ, महिंद्रा ईवरीटो, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, टाटा की टाइगर एवी, ये 4 कार्स अभी इंडिया में अवेलेबल हैं। और अभी एक और कोई गाड़ी निकली, मुझे नाम नहीं याद आ रही है, लेकिन वो भी अभी जल्दी आएगी इंडिया में। और अगर हम बजट कार्स की बात करें तो चाइना जो चाइनीज मार्केट धीरे धीरे इंडिया के मार्केट सेक्टर में कदम रख रही है, तो उसका नाम है एमजी बाओजुंग और एक ग्रेट वॉल की ओडा शायद आ सकती है 2022 तक। तो इन कारों का रेट 4 लाख के आसपास में रहती है। एमजी की एक कार है जो 15 लाख की आती है, वो तो 15 लाख के लोग भाई सोच के बाहर है अपनी। लेकिन अगर ओरा की बात करें तो चाइना सब्सिडीज पे देता है 6 लाख रुपए में, वहाँ की लोग इस कार खरीद पाते हैं, रियल प्राइस 8 लाख रुपए है, जब 2 लाख रुपये छूट यहाँ सरकार देती है। और बावजूद की बात करो तो वो आपको 3-4 लाख में मिल जाती है, पर वो डबल सीटर है। तो मेन रीजन भाई प्राइस भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई प्राइस की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं अगर आप कोई भी कार लेने जाओगे आपको 2-3 लाख में और कोई अच्छी खासी मिल जाएगी, एवरेज भी अच्छी होती है और एक अच्छी सक्सेसफुल गाड़ी है। तो मेन रीजन यही है कि महिंद्रा ईटीओ क्यों नहीं बिक रही है। प्राइसिंग 8 लाख रुपए है भाई, 8 लाख रुपए कोई सीएस मिल जाती है, अच्छी अच्छी सीडान आप खरीद सकते हैं जिसमें आप काफी अच्छा लंबा सफर अपनी कार से कर पाएंगे। तो कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है? जी दोस्तों, चार्जिंग स्टेशन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर कंपनी स्वैप एवल बैटरी का प्रयोग करे, स्वैप एवल बैटरी होती है क्या पहले बता दूं, आपके कार में जो बैटरीज होती है कंपनी ले, आप कंपनी के पास जाते हो या फिर कहीं भी नज़दीकी आप कोई भी एक्सचेंज स्टेशन पे जाओगे तो आपकी बैटरी वो निकालेंगे और आपको एक चार्जर बैटरी लगा के दे देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एक बैग पड़ने वाला जो खर्चा रहता है बैटरीज का, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक कार में बैटरी 2-3 लाख के नीचे लगने वाली है, नहीं 1 लाख तो लगी जाएगी। तो स्वैप एवल बैटरी में होता क्या है कि अगर आप 200 किलोमीटर इस्तेमाल किया, फिर जैसे आप 60% का फ्यूल लगाते हो तो इससे आपको उतने ही आसपास में आपको बैटरी स्वैप फॉलो कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए भाई थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन ये काफी अच्छा ऑप्शन है चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले, क्योंकि स्वैप एवल बैटरी आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, लेकिन चार्जिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और लास्ट है लॉन्ग ट्रिप वाले लोगों के लिए, जो लोग गाड़ियों से लंबा सफर करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक कार। क्योंकि हम सब जानते हैं लंबा सफर 1200-1300-2000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो अगर क्या हो चार्ज अपनी सबसे अच्छी गाड़ी ली, हुंडई कोना या फिर कोई भी गाड़ी लेते हैं, 400 किलोमीटर की रेंज होती है, 400 किलोमीटर चलने वाला क्या करेंगे, एक रोड पे किनारे खड़े हो जाएंगे, फिर भाई किसी घर ढूंढेंगे यार, चार्जिंग स्टेशन तो मिलने वाले हैं नहीं यहाँ पर। तो अगर उस कंडीशन में आपके पास कुछ स्वैपेबल बैटरीज आपके कार के अंदर होगी तो आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भी कुछ रीजंस की क्यों इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में टॉप हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ
चार्जिंग स्टेशन, दूसरी है बिजली की समस्या और तीसरी है स्वैपेबल बैटरीज। मुझे इन तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है स्वैपेबल बैटरी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी टाइम नहीं लगता है, आपको बैटरी किराए पे लेनी और चल पड़िए जहाँ आपको जाना है, और ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और आपको जो 2-3-4 साल बाद जो बैटरी का धक्का लगेगा, 1-1.5 लाख रुपये बैटरी बदलाओ, उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपने किराए की बैटरी पर भी काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप 1 लाइक करें, और चैनल पे नया है तो यहाँ पर रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में शामिल हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना खूब देर ख्याल, और गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।